हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे ईटोई क्लासेस पे, जहां हम लोगों ने पिछले क्लास मोशन और रेस्ट को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसके नए टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, अगर हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो उसका जितने भी रास्ते हैं वो सारे रास्ते हमारे डिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि द एक्चुअल पाथ, जो हमारा एक्चुअल पाथ होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए, तो उसके लेंथ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे ये इसको एक लड़का है, उसको ग्राउंड जाना है, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा? वो इस रास्ते से भी जा सकता है, वो इस रास्ते से भी जा सकता है, और वो इस रास्ते से भी जा सकता है। मतलब ये तीनों में से कोई भी रास्ते से ये जा सकता है और तीनों रास्ता इसको ग्राउंड पहुंचाएगा। तो इसके लिए ये तीनों क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसके लिए ये तीनों रास्ता क्या होगा? डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये कोई भी रास्ता से जा सकता है और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। जो हमारा एक्चुअल लेंथ होगा कोई भी पाथ का, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल पाथ होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। जैसे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं चलना, ठीक है, और फाइनल पॉइंट किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम ख़त्म किए। तो ये यहाँ से यहाँ गया तो इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वो ये, चाहे वो ये, या चाहे वो ये तीनों हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू, जो स्केल के नीचे वैल्यू लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो वो वैल्यू, ठीक है, तो उसी वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी जिसमें हम लोग को डायरेक्शन का ज़रूरत ना हो, मतलब पड़े ही ना, मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाए, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमेशा जब भी लेंथ को मेज़र करते हैं तो हम लोग उसको मीटर में मेज़र करते हैं, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर। जैसे हम लोग को मास में केजी में हम लोग मेज़र करते हैं मास को, वैसे ही हम लोग डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी हमारा मोशन कर रहा हो, मोशन मैंने आपको पिछला क्लास पढ़ा चुका था, ठीक है, पढ़ा दिया था कि मोशन क्या होता है, कि जब कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कि वो बॉडी मोशन में है। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, मतलब वो मोशन में नहीं है, वो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने ना इधर डिस्टेंस ट्रैवल किया ना उधर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम क्या बोलेंगे कि हम उस समय मोशन में नहीं है। तो जब हम मोशन में है ही नहीं तो हम डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किए, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में रहेगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हमेशा करेगा। इसलिए जब भी कोई बॉडी मोशन में हो तो उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। बात क्लियर है? ये सारे पॉइंट जो अभी मैंने आप लोग के सामने डिस्कस किया, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ। बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है। तो अब जैसे मैंने इस फिगर में क्या देखा था कि एक ये हमारा इनिशियल पोजिशन और ये हमारा था फाइनल पोजीशन,
ये हमारा इनिशियल पोजीशन था और ये हमारा क्या था, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने का ये तीन रास्ता था और ये तीनों हमारा डिस्टेंस कहलाया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो कहलाएगा जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जिसको कम दूरी में उस डिस्टेंस को हम लोग माप ले, ठीक है। तो जैसे ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ये तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये मिडिल वाला। इस तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला। तो ये जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बात क्लियर है, यही जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ होता तो ये भी मेरा डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। हमेशा हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे ना, तो बस एक सीधी रेखा खींच दीजिए, एक लंबी लाइन वो दोनों पॉइंट के बीच में खींच दीजिए, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे हम आपको एक करके दिखाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, यहाँ पॉइंट है सी, ठीक है। अगर हम लोग को पहले एक ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी ए से बी गया, फिर बी से सी गया, और हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमारा इनिशियल पोजीशन हो जाएगा ये, और हमारा हम लोगों ने ख़त्म कहाँ किया, यहाँ पे किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो अब ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक लंबी रेखा खींच दीजिए, एक लंबी लाइन खींच दीजिए, तो यही जो लंबी लाइन होगी ना, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, तो जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने डिस्टेंस में क्या देखा था कि वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वैसे ही ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड से काम ना चले तो उसके लिए हम लोग को डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़े, उस चीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको और समझने के लिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो आप लोग ने क्या, आप लोग क्या पूछिएगा कि कहाँ लगाए फोर्स, किस डायरेक्शन में लगाए और कितना लगाए। तो ये दो चीज़ आप लोगों ने मेरे से पूछा ना, कि कहाँ लगाए मतलब किस तरफ लगाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस डायरेक्शन में लगाए, तो उस चीज़ में हम लोग को डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ गया। लेकिन और कितना लगाए मतलब 5 न्यूटन 6 न्यूटन तो कितना फोर्स लगा, इसका मतलब है हम लोग को उसमें मैग्नीट्यूड का भी ज़रूरत है। अब ये फोर्स क्या है, हम लोग इसके क्लास 9 के इसके नेक्स्ट चैप्टर में है फोर्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बात क्लियर है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हम लोग इसको भी मीटर में ही मेज़र करते हैं। अब जाहिर सा बात है, डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को मेज़र किया जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो, ये दोनों लेंथ ही होते हैं, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों को भी हम लोग किस में मेज़र करेंगे, मीटर में ही मेज़र करेंगे, ठीक है। तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, हमारा मीटर हो जाएगा, और ये हमारा ज़ीरो हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे ज़ीरो हो सकता है, जैसे हमने क्या कहा था कि जो हमारे फाइनल पोजीशन है और जो हमारे इनिशियल पोजीशन है, वो दोनों के बीच का ही डिस्टेंस जो स्ट्रेट होता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो
कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, ठीक है, और फिर बी से सी पे गए, तो हम लोगों ने क्या किया, ए से बी पॉइंट तक गए पहले, फिर बी से सी गए, और फिर सी से वापस से ए पे आ गए, सी से वापस से ए पर आ गए। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन भी था और ये हमारा फाइनल पोजीशन भी था। तो जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, एक ही पॉइंट पे हो जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। कब? जब हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बराबर हो जाएगा तब हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो हो सकता है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, तो अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, तभी हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक लड़का है, वो पहले घर से दुकान गया, ठीक है, और फिर वापस दुकान से घर आ गया। जैसे मान लेते हैं ये स्कूल जा रहा है लड़का, तो ये दुकान से कुछ टिफ़िन लेने गया, ठीक है, मम्मी घर में खाना नहीं बनाई तो ये सोचा आज बाहर का टिफ़िन लेके जाते हैं, तो ये दुकान गया, वहाँ से अपना लिए टिफ़िन लिया और फिर वापस घर आके स्कूल चला गया, ठीक है, क्योंकि दुकान उसके स्कूल के अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए पहले वो दुकान गया, सामान खरीदा, वापस घर आया और फिर वापस स्कूल चला गया। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक, टोटल कितना डिस्टेंस किया और टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, चलिए करते इसको, ठीक है। तो अब हमारा जो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसने यहाँ से यहाँ गया 100 मीटर, ठीक है, पहले 100 मीटर शॉप गया, फिर वापस 100 मीटर घर आ गया, वापस 100 मीटर घर आ गया और फिर वापस से घर से स्कूल गया, मतलब फिर वापस उसने 50 मीटर तक ट्रैवल किया, मतलब उसने टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 250 मीटर, ठीक है, उसने 250 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो अब पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारा इनिशियल पोजीशन होता है और जो हमारा फाइनल पोजीशन होता है, वो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन से घिस देते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस का इनिशियल पोजिशन ये था, है ना, इनिशियल पोजिशन ये था और फाइनल पोजीशन यहाँ लास्ट में ख़त्म कहाँ हुआ, स्कूल पे, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 50 मीटर, ठीक है। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 50 मीटर, और ये हमारा निकल गया इसका सही जवाब, आंसर देख लीजिए, समझ में आया। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, पहले इधर से इधर, फिर वापस, फिर नीचे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 250 मीटर, लेकिन टोटल डिस्टेंस 250 मीटर और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ, 50 मीटर। बात क्लियर है? तो एक बात याद रखिएगा कि अच्छा इसमें एक केस आता है, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा,
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा जब दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, ठीक है, दोनों एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा हो, तब जो डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। जैसे ए से बी एक बॉडी गया, ठीक है, और इसका 100 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो ए से बी गया तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 100 मीटर, और ए से बी गया वापस, इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, 100 मीटर, अच्छा एक जीरो छोड़ गया, 100 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा डिस्टेंस हुआ वो भी हमारा 100 मीटर, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी 100 मीटर, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी 100 मीटर आया। तो ये दोनों बराबर कब हुआ, जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है, तो ये जस्ट मेरे को याद आया तो अभी हम बता दिए। चलिए लिख लीजिए, उतार लीजिए, समझ में आया, चलिए बढ़िया, मजा आ रहा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चींटी पे सवाल है, अभी इंसान पे देख लिए, अब चींटी पे सवाल है, एंट पे, इसको क्यों छोड़े हम लोग। चलिए तो एक एंट है, वो 8 सेंटीमीटर ट्रेवल किया पी से क्यू, और फिर उसके बाद वो वहां से पी से क्यू से फिर एक 90 डिग्री एंगल बना के, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है, फिर 6 मीटर ट्रेवल किया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो डिस्टेंस होगा और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे बनेगा। आप लोग अगर उसको ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, तो पहला क्या हुआ कि P से Q एक चींटी ट्रैवल किया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर क्या Q से राइट एंगल पे 90 डिग्री राइट एंगल पे वो 6 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, बात क्लियर है, 6 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तब हमारा पूछा है क्या, हमारा डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, पी से आर तक टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। तो पहले पी से क्यू किया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर क्यू से आर किया 6 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, बहुत आसान था। अब क्या बोला है कि तो कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या बोला है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो हमारा इनिशियल पोजिशन होगा और जो हमारा फाइनल पोजिशन होगा, है ना, जो हमारा इनिशियल पोजीशन होगा, जो हमारा फाइनल पोजीशन होगा, वो दोनों के जो बीच का स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, पी से आर हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो ये अब ये कैसे निकाला जाए, ये कैसे निकाला जाए, तो आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में पाइथागोरस थ्योरम, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग 9 क्लास में पढ़ लीजिएगा, मैथ में है, ठीक है, कि अगर ये ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री का, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री जिस पे बना है उसको बेस बोलते हैं, और ये जो लाइन है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो 90 डिग्री के एंगल बना रहा है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हमारा हाइपोटेन, अच्छा ये हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया, चलिए अब दूसरा,
तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर से प्लस जो परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा कौन कहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमारा जो हमारा h है वो क्या है, हमारा pr है, तो जो pr का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बेस क्या है pq के स्क्वायर के प्लस qr के स्क्वायर के। ठीक है, चलिए अब pq कितना है हमारा, pq 8 सेंटीमीटर है, मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस qr कितना है, 6 का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, p आर स्क्वायर का वैल्यू, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। सॉल्व करिएगा कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा पी आर का स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोगों को पी आर चाहिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, तो पी आर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर उस तरफ जाता है तो ये रूट बन जाता है, तो कितना हो जाएगा रूट 100। तो 100 का रूट क्या होता है, टेन। तो जो हमारा पी आर निकल गया वो क्या निकल गया हमारा 10 सेंटीमीटर, जो पी आर निकल गया वो हमारा क्या निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, समझ में आया, तो चींटी कहां से ट्रैवल किया, पहले P से Q, ठीक है, और फिर Q से R, तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो गया, दिस प्लस दिस, तो कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के जो बीच का डिस्टेंस है, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ा आ गया। चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही मजेदार, मन मोह लेने वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक व्हीकल है वो ए से बी गया और फिर बी से ए, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक का उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी तक का उसका डिस्टेंस क्या होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए, थोड़ा सर्कल के बारे में नॉलेज होगा आप लोगों को, 8 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, 9 में तो वैसे पढ़ना ही है आपको थोड़ा सा और, लेकिन फिर भी चलिए, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि ए से बी और बी से बी, अच्छा ए से बी और बी से ए गया है, तो ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए, मतलब ए से ये जो बी तक का डिस्टेंस है वो कितना होगा, है ना, ए से बी तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ से पूरे जो सर्कल का जो लेंथ होता है, जिसको हम लोग सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं सर्कल का, वो क्या होता है 2πr, वो क्या होता है हमारा 2πr सर्कमफेरेंस। ठीक है, लेकिन वो 2πr तो पूरा हो गया, हम लोगों को क्या चाहिए आधा, जस्ट ये सेंटर है तो ये हमारा सेमी सर्कल बना रहा है ना, ये हमारा क्या बना रहा सेमी सर्कल, तो बस हमको आधा डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक, तो आधा डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, हाफ के लिए अगर हम लोग को 10 का हाफ चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, तो वैसे अगर हमको हाफ चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 कट गया, तो कितना आ गया डिस्टेंस हमारा, अच्छा अभी नहीं काटते हैं, इसके बाद काटते हैं तब थोड़ा अच्छा रहेगा, तो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा
डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये आधा हो जाएगा, मतलब पाई आर, ठीक है, क्या हो गया पाई आर, या फिर ऐसे भी कर सकते, टू पाई आर था, इसको टू से डिवाइड कर दिया आधा के लिए, तो टू टू कट गया, तो क्या आ गया हमारा डिस्टेंस पाई आर, हमारा डिस्टेंस क्या हो गया ए से बी पाई आर, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि पाई का वैल्यू क्या होता, ठीक है, पाई का वैल्यू या तो 22/7 होता है या तो 3.14 होता है, तो 3.14 हम लोग तभी लेते हैं जब क्वेश्चन में दिया हो, नहीं तो अदरवाइज हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग 22/7 लेते हैं। तो यहाँ पे जो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 22/7 इंटू हमारा आर क्या हो गया 21, तो 7 के टेबल में 21 गया, कितने बार में, 3 बार में, तो 3 इंटू 22 कितना हो गया 66 सेंटीमीटर की मीटर सेंटीमीटर, चलिए तो 66 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 66 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया ए से बी, चलिए डिस्टेंस तो निकल गया, अब क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन जो स्ट्रेट, तो स्ट्रेट हमारा क्या है डायमीटर, स्ट्रेट क्या हमारा दिख रहा है डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है रेडियस का दोगुना, रेडियस को टू से इंटू करते हैं तो हम लोग को डायमीटर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ए बी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, अगर हम टू को रेडियस से इंटू करेंगे तो हमारा डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है, तो टू इंटू 21 तो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्टेंस क्या हो गया 66 और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 42, समझ में आया, देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था, बात क्लियर है, समझ में आया, मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पे, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ व्हीकल, अब ये व्हीकल्स टोटल कितना डिस्टेंस, ये ए से गया और वापस ए पे आ गया ना, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, चलिए हो गया, इसको लिख लिया, चलिए बढ़िया, अब हम लोग देखते हैं कि टोटल हमारा दूसरा नंबर, हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो यहां पे क्या था कि ए से चलना स्टार्ट किया व्हीकल्स और वापस घूम के ए पे ही आ गया, मतलब एक पूरा सर्कल का एक चक्कर, अभी मैंने बताया एक पूरा सर्कल का चक्कर, एक पूरा सर्कल का लेंथ कितना होता है 2πr, ठीक है, कितना होता है डिस्टेंस 2πr, पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21, तो ये 7 के टेबल में 21 गया 3 बार में, तो कितना हो गया 3 × 2 = 6, 6 इंटू 22 तो कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 132 सेंटीमीटर, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, अब क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए, तो ज़रा हमने अभी तुरंत पढ़ाया कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन से हम लोग ड्रॉ करते हैं या फिर हम लोग का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे देखिए ए से चलना स्टार्ट हुआ था और वापस से ए पे ही आ गया है ना, ए से चलना स्टार्ट हुआ था और वापस से ए पे ही आ गया, मतलब हमारा इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन दोनों बराबर हो गया है ना, ए से चलना स्टार्ट किया था और वापस ए पे आ गया, मतलब हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तब हमने क्या कहा था कि जब दोनों बराबर हो जाएगा तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ज़ीरो, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ज़ीरो, चलिए
समझ में आया? तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। देख लीजिए, लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। हो गया, चलिए बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन जो कि मैं आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ करके आइएगा ये क्वेश्चन, और अगर इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सबके कमेंट देखूँगा, ठीक है। एक बार ट्राई करिएगा, इसको बहुत इजी है, हल्का सा बस दिमाग चाहिए, बाकी ये बन जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको तीन क्वेश्चन करवाया था, आप लोग इसको इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन लिखना है, लिख लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।